गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स। लास्ट टॉपिक में हमने सिस्टम्स और जो निकाय है उष्मा गति की निकाय, उष्मा कैसे जो है उनके प्रोसेस क्या क्या है, उनमें क्रियाएं कौन सी, जैसे उष्मा गति की विधि या सांख्य की विधि, हमने मोटे तौर पे उसका सिस्टम्स देख रखे थे। दो टाइप से होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म निकाय और स्थूल निकाय। सूक्ष्म निकाय में जो क्रिया है वो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कम रहते हैं, जबकि स्थूल निकाय के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन दोनों के आधार पर इनकी जो स्टडी है, उष्मा के आदान प्रदान में दो विधियाँ काम में ली थी, उष्मा गति की विधि और स्टैटिकल मेथड। उष्मा गति की विधि के अंदर हमने प्रोसेस देखा तो वो चार टाइप के प्रोसेस थे, उसके प्रक्रम थे, उसके पैरामीटर्स थे, जो पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट समता पीरो दो उसमें विलगित और समायतनिक प्रक्रम, उसी प्रकार से स्टैटिकल में। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम्स है निकाय में अनन्य क्रिया कैसे होती है। सपोज मान के चले, इसको हम समझने के लिए माना कोई भी दो जो है माइक्रोस्कोपिक या दो स्थूल निकाय है ए व ए डैश, तथा दोनों निकाय जो है वो मिलकर ए व ए डैश मिलकर एक संयुक्त निकाय ए स्टार बनाते हैं, जो कि विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है, जो संयुक्त जो मिलकर के बना। विलगित निकाय से मतलब हुआ उसके अंदर हम जो है द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान नहीं होता, अर्थात इसकी कुल ऊर्जा जो है टोटल एनर्जी जो है वो संरक्षित रहती है, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस जो है डेल्टा यू वो जीरो रहेगा। तो माना ए व ए स्टार परस्पर ऊर्जा विनिमय करते हैं, यानी जब ए है और ए डैश है दोनों को हमने मिलाया तो उनमें ऊर्जा विनिमय होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है ए स्टार के अंदर अब जो हम कोई भी द्रव्य या ऊर्जा नहीं मिला सकते या उसमें नहीं आ सकती या नहीं उससे बाहर जा सकती है। वो जो ए स्टार दोनों सिस्टम से मिलकर के बना है वो कैसा है, विलगित निकाय है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ए व ए डैश के मध्य अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप बने संयुक्त निकाय ए एक ऐसे निकायों का समुच्चय है जिसकी कुल ऊर्जा नियुक्त रहती है, या संयुक्त निकाय में समुच्चय निकाय के समुच्चय में निकाय ए व ए डैश के प्रत्येक युग्म के लिए ऊर्जा विनिमय भिन्न भिन्न होता है। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर देखा, यहाँ पर संयुक्त निकाय ए स्टार की कुल ऊर्जा जो है 5 इकाई है, तब ए व ए डैश के युग्म निम्न प्रकार बनेंगे। जैसे संयुक्त निकाय है उसकी एनर्जी जो है कांस्टेंट है, कितनी है 5, निकाय ए की एनर्जी 0, निकाय ए डैश की 5, देन टोटल 5, देन निकाय ए की 1, निकाय की 4, निकाय ए की 2, इस तरह से हम इसको 10 से 5 तक और 0, तो हमारे पास यहाँ टोटल जो है 6 प्रोसेस आया जो है निकाय संयुक्त निकाय है उसकी एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो यहाँ पर निकाय ए के जो एनर्जी विनिमय हो रहा है किसके कारण, ए व ए को मिस करने के बाद, तो ए व ए की एनर्जी के बीच में जो क्रिया है फर्स्ट हुई वो 0 और 5 पार्टिकल के बीच हुई, फर्स्ट हुई 1 और 4 के बीच हुई ऊर्जा विनिमय, फिर 2 और 3 के बीच हुई, 3 और 2 के बीच हुई, फिर 4 और 1 के बीच हुई, और फिर 5 और 0 के, यानी कि पॉसिबिलिटीज कितनी होगी हमारे पास 6। तो इस तरह से मेन इंपॉर्टेंट जो रहता वो रहती है प्रोबेबिलिटी कि कितनी रहेगी। जैसे इसको हम समझने के लिए सपोज हम मान के चले अनन्य क्रिया से पूर्व किसी युग्म की औसत ऊर्जा जो है वो इनिशियल एनर्जी ei व ei डैश तथा अन्योन्य क्रिया के पश्चात औसत ऊर्जाओं का मान जो है ef व ef डैश, यानी कि फर्स्ट ऊर्जा जो टोटल थी वो अलग अलग एनर्जी की उसकी मिनिमम फर्स्ट इनिशियल एनर्जी क्या है, और दूसरे ए की जो निकाय की इनिशियल एनर्जी ei और उसकी फाइनल एनर्जी ef, इसी प्रकार से ए डैश है उसकी इनिशियल एनर्जी जो है ei डैश और फाइनल एनर्जी जो है ef डैश। तो संयुक्त निकाय की कुल एनर्जी नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा विनिमय या इनको हम संयुक्त मिलाने से पूर्व व मिलाने के बाद जो है टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, नियत। तो मिलाने से पूर्व टोटल एनर्जी ei प्लस ei डैश इजिकल टू ef प्लस ef डैश। हमने जो इनिशियल था इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, देन ई एफ माइनस ई आई प्लस ई एफ डैश माइनस ई आई डैश इजिकल टू 0, इट मीन्स डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई डैश इजिकल टू 0, जहाँ डेल्टा ई व डेल्टा ई डैश क्रमशः निकाय ए व ए डैश की अनन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप औसत ऊर्जा में परिवर्तन है, अर्थात ए व ए डैश में सभी संभव अनन्य क्रियाओं को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट जो है उष्मीय अन्योन्य क्रिया थर्मल इंट्रैक्शन, और दूसरा है वो द्रव्य एक्सटेंशन। फर्स्ट है हमें उष्मीय अन्योन्य क्रिया,
उसमें अन्योन्य क्रिया में निकाय के बाह्य प्रचलों को नियत रखते हैं। नियत रखे जाने पर निकाय के ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो उसमें अन्योन्य क्रिया के द्वारा निकाय के ऊर्जा स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप निकाय की औसत ऊर्जा में वृद्धि को अवशोषित ऊष्मा तथा लॉस को उत्सर्जित ऊष्मा माइनस क्यू कहते हैं, यानी अवशोषित ऊष्मा प्लस क्यू और उत्सर्जित ऊष्मा माइनस क्यू। यदि उसमें अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप निकाय ए व ए डैश के लिए औसत ऊर्जा में परिवर्तन क्रमशः क्यू व क्यू डैश हो तो समीकरण एक से क्यू प्लस क्यू डैश इजिकल टू जीरो अर्थात क्यू इजिकल टू माइनस क्यू डैश अर्थात एक निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा दूसरे निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होती है। सेकेंड है रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया या एडियोबायोटिक इंट्रैक्शन। रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में दो ऊष्मारोधी विलगित निकायों के बाह्य प्रचलों में परिवर्तन कर उनके मध्य ऊष्मा विनिमय स्थापित किया जाता है। रुद्धोष्म ऊष्मारोधी निकाय में निकाय की औसत ऊर्जा में वृद्धि को निकाय पर किया गया स्थूल कार्य माइक्रोस्कोपिक वर्क W तथा हानि जो ही उसमें उसको निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य यानी माइनस W कहते हैं, यानी स्थूल निकाय पर किया गया कार्य प्लस W एंड निकाय द्वारा किया गया कार्य माइनस W। यदि यानी कि दो प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट होता है उसकी इंटरनल एनर्जी यानी कि बाह्य प्राचलों को हम कांस्टेंट रखें तब क्या होगा उसमें अन्योन्य क्रिया, और हम इसमें क्या करें उष्मा ऊर्जा जो है बाह्य प्राचलों में परिवर्तन करके, जब बाह्य प्राचलों में हम परिवर्तन कर रहे हैं इसका मतलब हम कोई ना कोई वर्क कर रहे हैं, तो वर्क अगर उस निकाय पर किया जाता है देन प्लस और निकाय से किया जाता है निकाय द्वारा किया जाता है देन माइनस डब्लू। यदि रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप ए व ए डैश के लिए औसत ऊर्जा में परिवर्तन डब्लू व डब्लू डैश हो तो डब्लू प्लस डब्लू डैश इजिकल टू जीरो देन डब्लू इजिकल टू माइनस डब्लू डैश अर्थात रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में एक निकाय पर किया गया स्थूल कार्य दूसरे निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ हमने जो दो इंट्रक्शन दो टाइप के प्रोसेस पढ़े, फर्स्ट ऊष्मा अन्योन्य क्रिया जिसमें किसी एक निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा दूसरे निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होती है। दूसरा है रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया एडियोबायोटिक इंट्रक्शंस जिसके अंदर हमने देखा तो रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में एक निकाय पर किया गया कार्य निकाय दूसरे निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। इसके जनरल इंस्ट्रक्शन देखें वापस व्यापक या सामान्य अर्थात निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया के सैद्धांतिक थ्योरेटिकल पक्ष का अध्ययन किया जाए तो व्यावहारिक रूप में कोई भी निकाय ना तो पूर्ण रूप से रुद्धोष्म विलगित होता है और ना ही उनके बाह्य प्रचलों को स्थिर रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में निकायों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया में निकायों की औसत ऊर्जा में कुल परिवर्तन दोनों प्रकार की ऊष्मीय व रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा होता है, अर्थात व्यापक रूप से निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई इजिकल टू क्यू प्लस डब्लू, जहाँ क्यू नियत बाह्य प्रचलों की उपस्थिति में निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन का मान जो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया तथा डब्लू बाह्य प्राचलों के परिवर्तन के कारण निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन का मान है को व्यक्त किया गया है जो रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। अर्थात समीकरण चार को ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है अर्थात निकाय पर कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। तो डेल्टा ई अगर यहाँ बात की जाए तो फर्स्ट जो निकाय है ए के लिए तो ए की ऊर्जा में कुल परिवर्तन जब बाह्य जो परिवर्तन किया हमने उसके कारण बाह्य पर कोई भी प्राचल में परिवर्तन नहीं किया तब उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेज हुआ प्लस क्यू और हमने जो है इंटरनल एनर्जी में या जो है उसको कांस्टेंट रख के बाह्य प्राचलों में परिवर्तन किया तब जो कार्य है वो डब्लू, तो टोटल एनर्जी क्या होगी डेल्टा इजिकल टू क्यू प्लस डब्लू, जहाँ पर क्यू उसमें अन्योन्य क्रिया व डब्लू रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया दोनों में फर्क क्या है कि निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन जब बाह्य प्राचलों की उपस्थिति में और सेकंड क्या है बाह्य प्राचलों के परिवर्तन के कारण औसत ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट अत्यणु व्यापक या सामान्य अन्योन्य क्रिया यानी इनफाइनाइटेसिमल जनरल इंट्रैक्शन। अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया वह अन्योन्य क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थूल अवस्थाओं के मध्य अंतर अत्यंत सूक्ष्म होता है। इस अन्योन्य क्रिया के कारण निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन
डेल्टा ई हो तो अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया के लिए समीकरण चार का स्वरूप निम्न होगा, यानी डेल्टा ई इजिकल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, जहाँ डी डब्ल्यू अत्यंत सूक्ष्म स्थूल कार्य का मान है, जो ये उस थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट रूल का ही रूल है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।